उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहाँ के नौजवानों को खरीदने के लिए टनमर के एमएलए के हाथ पैसे दिए। हमें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करना था। ये मेरा कहना नहीं है, ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया। लगाने वाला आज मौजूदा हुकूमत में दिल्ली में मिनिस्ट्री कर रहा है। कहने का मतलब मेरा ये कि जिन लोगों ने 40 साल साजिशें रचाई यहाँ के लोगों को कमजोर करने के लिए, आगे जाके उनके तेवर बदलेंगे। ये उमर अब्दुल्ला का बयान साल 2010 को याद कराया। साल 2010 में कश्मीर में हालात बहुत खराब थे और तब कश्मीर की सिर्फ एक जगह थी, वो टंगमर का इलाका था जहां पे जलसा कराया था। गुलाम हसन मीर उस जलसे के रोहे रवान थे और उसी जलसे के बाद मुल्क में तब से फौज के सरबरा वी के सिंह ने बयान दिया था कि शुक्रिया गुलाम हसन मीर साहब, आपने हमारी मदद की। यही आज दोबारा याद उन्होंने दिलाया। लेकिन इसी सवाल या इसी बयान के पस मंजर में सईद अल्ताफ बुखारी ने भी आज बयान दिया और ये बयान उन्होंने जनूबी कश्मीर में आज अपने दमाल आंजीपुरा में अपने स्टेज से बाजाबता तौर पे तकरीर के दौरान भी दिया, मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए भी दिया। लेकिन सईद अल्ताफ बुखारी ने जो बात इसमें की 2010 के हवाले से, उससे बड़े सवाल खड़ा होते हैं। तो जरा सुनिएगा सईद अल्ताफ बुखारी ने क्या बताया और इस मामले में हमारे साथ अपनी पार्टी के लीडर इंदिरा फारूक इंद्राबी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी इस पे रद्देअमल जाहिर करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें भी ज्वाइन करेंगे इमरान नबी डार, हम उनसे भी जानने चाहिए। पहले जरा अल्ताफ बुखारी को सुनिएगा, इसके बाद हम दोनों से बात करेंगे। जब उमर साहब घर से नहीं निकलते थे, उनको घर से निकालने वाला मेरा ही साथी था जिसने उनको उस वक्त निकाला घर से और फिर अपने ही उसी टंगमर्ग में उनका जलसा मुनक्कद किया और उसी बात में मैं गवाह हूं इस बात का, उसी जलसे की वजह से 2010 में वो हुकूमत बची, वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसकी कुंजी वहां बंद करवा ही दी थी। उसकी टैप द टैप हैड बीन क्लोज्ड इन दिल्ली, इट वाज अबाउट टू बी सैक्ड। कुछ लीडरान हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मेरी उनसे सईद अल्ताफ बुखारी को सुना आपने, वो बता रहे हैं उस जलसे ने उमर अब्दुल्ला को उस वक्त घर से, जब वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे, मेरे साथी ने बाहर निकाला और वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सारी कुंजी बंद कर रखी थी। मेरे साथ फारूक इंद्राबी साहब हैं, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर फारूक इंद्राबी साहब, जरा बताइएगा क्या बताना चाहते हैं सईद अल्ताफ बुखारी साहब उस वक्त के हवाले से। जी सलीम साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए मैं आपको एक ही बात बता दूंगा कि कुछ इस पर बोलने से पहले ये जरूर कहूंगा, दामन तो जरा देख जरा बंद कबा देख। आपको याद होगा कि जिस वक्त जिस 2010 की बात उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, मीर साहब उमर अब्दुल्ला की काबीना में एक सीनियर वजीर रहे जी। और बाकी वजीर आला अगर वो आज 15 साल के बाद ये बात कह रहे हैं, बाकी वजीर आला उन्होंने क्या किया, कौन सी एक्शन ली, कौन सा तहकीकात किया? एक अखबार में खबर छपवा कर मीर साहब की छवि खराब करना, ये हवा एक खड़ा कर दिया गया था, इसमें कोई हकीकत नहीं थी, कोई किसी एजेंसी का कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं था। इसके बरक्स तो जो आगे बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ तो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं एक 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 सवाल सिंपल सा, मेरी बात सुनिए। ये एक हवा खड़ा किया गया था, आज 15 साल के बाद उमर अब्दुल्ला साहब क्या साबित करना चाहते हैं? वो एक नाकाम वजीर आला रहे और मीर साहब ने जब आपको याद होगा ये उनकी काबीना में जिराज के वजीर थे, ही इज द पर्सन जिसने उमर अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और हर जिले में किसान रैलियां करवाई और टंगमर्ग के हलके इंतजाम। बिल्कुल रैलियां नहीं, आप जरा आपने जरा सुना बुखारी साहब को, हमने उनका साउंड बाय आज उमर अब्दुल्ला इंद्राबी साहब हमने फारूक अल्ताफ बुखारी साहब का साउंड बाइट चलाया, उसमें वो बता रहे हैं
अगर वो जलसा नहीं करते तो मरहूम मुफ्ती महमूद सईद साहब का नाम लेकर वो बता रहे हैं कि उसने ऐसे कुंजी मरोड़ रखी थी कि उसकी सरकार भी जाती। और तब बहुत से हल्के इल्जाम ये लगा रहे थे कि ये जो पथराव उस वक्त हो रहा था, हालात खराब हो रहे थे, वो पीडीपी करवा रही थी। तो क्या मरहूम मुफ्ती सईद साहब वो पथराव, वो पत्थरबाजी वगैरह करवा रहे थे? ये कुंजी मरोड़ने का क्या मतलब है? एजाज साहब, मैं पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा, इस पर भी बोलूंगा मैं कि मीर साहब की, मीर साहब जो है उनकी शबिया को खराब करने के लिए ये कोशिश उस वक्त की गई। लेकिन हकीकत ये है कि टंगमर्ग के हल्के इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं पैर रखने की इजाजत नहीं। हम सिंपल सा जानते हैं, वो हम सिंपल सी बात देखिए, वो छवि खराब की वो मामला है, वो झूठ का सहारा लेकर मीर साहब जो की मेन ऑफ द मैसेज है, उन्होंने सिंपल रावी साहब लेकिन जहाँ तक आपने बात की पथराव की, ये पथराव कौन करवा रहे थे, हड़ताल कौन करवा रहे थे, वक्त साबित कर रहा है और आगे आप देखिए इंशाल्लाह। नहीं नहीं, अल्ताफ साहब, अल्ताफ साहब पीडीपी के तब बड़े लीडर थे, तो अल्ताफ साहब बता रहे मैं गवाह हूँ, अल्ताफ साहब बता रहे मैं गवाह हूँ, वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, ये चीजें तो आज लोगों को बिल्कुल सामने। इमरान नबी डाल रहे मेरे साथ, यहाँ के लोग जो हमारे हैं वो पॉलिटिकली बिल्कुल मैच्योर हैं, वो समझते हैं किस पार्टी ने यहाँ पर वबाल मचाया जम्मू कश्मीर में, किस पार्टी का रोल यहाँ ऐसा रहा कि जिसके लोग। इमरान नबी डार साहब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान है, उनको भी जरा सुन लेते हैं। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जरा आपने फारूक इंद्रावी साहब को सुना और आपने अल्ताफ बुखारी साहब को भी सुना। अल्ताफ बुखारी साहब बता रहे हैं कि 2010 में जो फारूक साहब, उमर साहब तो बाहर नहीं निकल सकते थे, मुफ्ती साहब ने तो उनकी कुंजी मरोड़ रखी थी, ये बता रहे कि मैं गवाह हूं उन्होंने। जी तो क्या आपका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, क्या कुंजी किसने मरोड़ी थी? और अल्ताफ साहब बता रहे हैं, अगर मैं आम आदमी की अल्फाज, मैं आम आदमी के तौर पे जिस तरह तब भी बताया जाता था, बहुत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गिला करते थे कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए पत्थरबाजी पीडीपी करवा रही है, तो क्या ये मान लें कि तब 2010 में पत्थरबाजी पीडीपी करा रही थी? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहता है कि हम पहले ब्लेम गेम पे, वी डोंट बिलीव इन ब्लेम गेम, मतलब किसी को ब्लेम करना हमारी फितरत में नहीं है। अब जो 2010 के इंसिडेंट की बात की जाए, ये सबसे पहले बहुत ही अफसोसकुन इंसिडेंट रहा, उसमें हमारे बहुत सारे नौजवान जो है मारे गए, बहुत फैमिलीज विक्टिम बन गए, बहुत ग्रीवियस इंजरीज होगी जो अभी तक बेचारे उन हालातों से गुजर रहे हैं। आज अब वही लोग वो बात दोबारा दोहरा रहे हैं जो उस टाइम पे पीडीपी लीडरशिप के क्लोज थे, तो इस सवाल का जवाब तो उन लोगों को ही मालूम होगा। अगर वो अब बोल रहे हैं ये बात, क्या मजबूरी है उनको ये बोलने की? ये क्या वो दिखाना चाहते हैं कि दे आर द रियल कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटर, जो हम बार बार बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉफिट बनाने में किन लोगों का हाथ है, और शायद यही लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटर्स हैं, तो इनको बेनकाब करने की बहुत जरूरत है। जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, दे डिमांड, दे नीड जस्टिस, तो उनको जस्टिस कौन देगा? तो ये जरा बताइए, इंद्रावी साहब से भी अभी बात हो रही थी, इंद्रावी साहब मेरे साथ ऑनलाइन है, फारूक साहब ने जो आज टंगमर्ग में, उमर साहब ने जो टंगमर्ग में बताया, वीके सिंह को याद किया, तब ये कहते हैं इंद्रावी साहब की तब क्यों नहीं कार्रवाई की, आज जो करें बात करें। एजाज साहब मेरी एक ही बात सुनिए आप, कि 15 साल के बाद ये बात कहना क्या माने रखता है? उमर अब्दुल्ला साहब को मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ कि आप किस बलबोते पर, अगर एक अखबार में खबर एक छपाई गई एक साजिश के तहत, लेकिन वो किसा भी कुछ नहीं था, वीके सिंह का बयान सही नहीं था, वीके सिंह का बयान अखबार में, नहीं नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब आज किस चीज का सहारा लेकर आप इमरान नबी डार साहब जवाब दीजिए, इमरान साहब गुमराह करना चाहते हैं, इमरान साहब जरा जवाब दीजिएगा, मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये फारूक साहब, इमरान साहब जवाब देना चाहते हैं, इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस का तर्जुमान देखती है, इमरान साहब जवाब दीजिएगा, तब तक आप इतने सालों बाद क्यों याद नहीं आया, तब सरकार में आपकी पार्टी आपकी सरकार में थे, इमरान साहब कंसिस्टेंट, ये सिर्फ उमर साहब की बात नहीं है, ये एक आम नॉलेज है, अब
क्योंकि ये स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहला नहीं आया था। ये आपको भी मालूम होगा, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने ये स्टोरी कवर भी की है कि ये बयान हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने दिया था, वो बाजाबता अखबारों ने कवर किया था इमरान तो साहब। अब ये सब चीजें, ये हम बोल नहीं रहे, ये हरी जुबान नहीं है, हमने नहीं बोला, ये इन हिंदुस्तान के आर्मी चीफ के अल्फाज है। चलिए तो अब मैं वही बोल रहा हूँ कि अब ये रहे हैं, उस वक्त वजीर आला थे, उन्होंने कौन सा एक्शन लिया था, कौन सा तहकीकात किया था, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, अखबार में खबर छपवा कर उसी चीज का आज। चलिए बहुत शुक्रिया, मेरा ये प्रोग्राम डिबेट का नहीं है इमरान नबी डार साहब, मैंने आपका व्यू पॉइंट लेना था। बहुत शुक्रिया आपका फारूक अंद्राबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सिर्फ एक व्यू पॉइंट लेना था क्योंकि बड़ी बात की गई है और इसमें बड़ी बात अगर कही जाए तो शहीद अल्ताफ बुखारी तब पीडीपी के बड़े लीडरान में शुमार होते थे और आज वो खुद बता रहे हैं कि तब 2010 में जो कुछ भी हुआ, उमर अब्दुल्ला को बाहर निकलने नहीं दिया, सारी कुंजी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मरोड़ के रखी हुई थी। और अक्सर पीडीपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इल्जाम लगा रहे हैं, 2010 में पथराव पीडीपी वाले करवा रहे थे और पीडीपी वाले बता रहे हैं कि 2016 में पथराव नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही थी। एक दूसरे पर दोनों पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन इन इल्जाम के बीच में आज बड़ी बात की है शहीद अल्ताफ बुखारी ने। देखते हैं क्या आगे रद्दअमल मिलता है, लेकिन फिलहाल एक